guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, Pinkush Kudana, and I hope everyone is doing extremely well. आप मेरा look और मेरे पास ये bag देख के समझ गए होंगे कि आज का video किस पे होने वाला है. बड़े ही लंबे time से आप लोग request कर रहे थे कि please दी आपका honest skin care routine हमारे साथ share करो, जो कि sponsored ना हो या फिर single किसी एक particular brand के ऊपर ना हो. तो लो जी, आपकी request और हम आ गए हैं आपके लिए video लेके. ये video को share करने का time ना एकदम perfect है, क्योंकि इस time Amazon पे खूब सारे amazing offers आपको मिल रहे हैं. तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उन सभी प्रोडक्ट्स पे आपको अच्छे खासे ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं फेस क्लेंजर से. और जब से मैंने ये सेटाफिल का फेस क्लेंजर यूज करना स्टार्ट किया है ना, मेरी स्किन में एक मैंने मेजर चेंजेस देखे हैं. मतलब जब भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देती हूँ, मुझे इंस्टेंटली एक्नेस जो है वो वापस आने लगते हैं, खूब सारे पिंपल्स मेरे फेस पे हो जाते हैं. लेकिन सेटाफिल के अंदर भी खूब सारे वेरियंट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब आपकी स्किन के लिए कौन सा क्लेंजर परफेक्ट है. जब भी आप किसी डॉक्टर से भी सजेस्ट करेंगे ना, तो वो डॉक्टर्स भी आपको सेटाफिल ब्रांड हमेशा सजेस्ट करेंगे. तो आप सेटाफिल के ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स ना हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल होते हैं. स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट्स बेहद असरदार होने वाले हैं. तो मैं सेटाफिल के दो क्लेंजर यूज करती हूँ. पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्लेंजर अपना शेयर किया था, वो मैं मॉर्निंग में यूज करती हूँ और नाइट में, बिकॉज दिन में मुझे बहुत सारे शूट करने होते हैं और कई बार मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स भी यूज कर लेती हूँ और उस वजह से मेरी स्किन बहुत बार ऑयली स्किन भी हो जाती है. तो सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंजर ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और ये आपकी स्किन को हल्का सा ड्राई बनाता है, बिकॉज ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है. अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाला क्लेंजर यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आपको दिन में सिर्फ एक बार यूज करना है मेरे जैसे, तो आप इस क्लेंजर को डेफिनेटली यूज कर सकते हो. एंड इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर ड्राई भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं रहती, मतलब आपको परफेक्ट बैलेंस पे ले आता है. सो मुझे ये क्लेंजर बहुत ज्यादा पसंद है. प्लस ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेंज भी नहीं है. एंड इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो. सो प्रोडक्ट लिंक इज एडेड इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक दिस वन राइट नाउ. एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नंबर टू. प्रोडक्ट नंबर टू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, माय फेवरेट मॉइस्चराइजर. इट्स फ्रॉम एक्वालॉजिका. आप लोगों को पता है मुझे एक्वालॉजिका ब्रांड बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे उनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है. लेकिन उनके जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स की रेंज है ना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है. इसके अंदर खूब सारा वाइटामिन सी है और खूब सारा पपाया के एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है. प्लस आपकी सेंसिटिव स्किन पे बहुत ही अच्छे से काम करता है और अगर आपकी कोई भी एक्ने स्कार्स हैं उन्हें भी धीरे धीरे ट्रीट करने की हेल्प करता है, बिकॉज इसके अंदर खूब सारा विटामिन सी एडेड है. एंड गाइस, मेरी स्किन पे ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और काफी ऐसे ड्यूई और ग्लोई सा लुक आ जाता है. एंड अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया, अगर आपको मेकअप नहीं यूज करना है ना, तो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ भी और यूज करने की नीड होती है, बिकॉज इससे आपकी स्किन ना काफी हाइड्रेटेड लगती है, काफी प्लम्प लगती है और एकदम ऐसे ग्लोई और ग्लास स्किन जैसा लुक आने लगता है. एंड ये कंप्लीटली ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, तो आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, हर एक स्किन टाइप के लिए ये मॉइस्चराइजर एकदम परफेक्ट है. एंड गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो सीरम्स को यूज करना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को भी सीरम यूज करने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती होगी. लेकिन अभी मार्केट में इतने सारे सीरम्स आ चुके हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कौन सा सीरम यूज करना चाहिए. तो वैसे तो काफी सारे फेवरेट सीरम्स हैं मेरे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेवरेट सीरम है वो मेरा है प्लम का हाइलुरोनिक एसिड सीरम. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बहुत छोटी सी पैकेजिंग आती है, लेकिन इसका एक ड्रॉप सफिशियंट है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट रखता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है. अगर आपने ये सीरम यूज कर लिया ना, आई डोंट थिंक सो आपको किसी मॉइस्चराइजर की भी नीड है, मतलब ये इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग सीरम है. एंड द बेस्ट पार्ट, दिस सीरम इज सुपर लाइट वेट, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, मतलब कोई भी चिपचिपाई नहीं होगा. बहुत सारे सीरम्स ऐसे भी आते हैं जिन्हें यूज करने के बाद ना आपकी स्किन काफी ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, तो आप सिर्फ रात में ही यूज कर पाते हो, बिकॉज दिन में हम वो चिपचिपा सा फेस लेके बाहर तो नहीं जा सकते हैं. लेकिन प्लम का जो सीरम है ना, स्पेशली ये हाइलुरोनिक सीरम, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बिकॉज इसका ना बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है. आपका फेस बहुत ही लाइट वेट है, स्टिकी नहीं है और सिर्फ एक ड्रॉप. बहुत ज्यादा सीरम आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है और बहुत ही थोड़ा सा आता है, तो एक ड्रॉप से आपका काम इजीली चल जाएगा. मतलब आपको नेक्स्ट 24 आवर्स ना कुछ भी अप्लाई करने की नीड नहीं है. तो आप ये जरूर ट्राई करके देखना एक बार और अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करना भी मत भूलना. एंड गाइस, सनस्क्रीन की तो आप लोगों ने सुन ही रखा है कि सनस्क्रीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरी ऑडियंस ये नहीं पूछते कि सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोगों के हमेशा कॉमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हम कौन सा सनस्क्रीन यूज करें. तो सनस्क्रीन भी जो मैं यूज करती हूँ वो एक्वालॉजिका के सनस्क्रीन ही यूज करते हैं, बिकॉज एक्वालॉजिका के जो ब्रांड है ना, मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से काम करती है. स्पेशली सनस्क्रीन की बात आती है तो इनकी जो सनस्क्रीन है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होती है. मतलब बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसे भी आती है जिनका टेक्सचर काफी ज्यादा थिक होता है और वो इतना चिपचिपा सारा, इतना सारा क्रीम आपकी स्किन पे अगर आप यूज करोगे तो आप
आपको पिंपल्स डेफिनेटली होंगे, सनस्क्रीन यूज करने के बाद भी होंगे। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें सनस्क्रीन यूज करने से पहले कि वो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लाइट वेट होना चाहिए, एकदम लिक्विडी कंसिस्टेंसी के अंदर होना चाहिए, तब आपके स्किन पे परफेक्टली काम करता है और परफेक्ट सूट करता है। एंड दिस सनस्क्रीन इज माई पर्सनल फेवरेट सनस्क्रीन गाइज, ये है एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। इसके अंदर भी खूब सारा पपाया है, खूब सारी वाइटामिन सी है जो कि आपकी स्किन को सन से तो प्रोटेक्शन देता ही है, उसी के साथ साथ आपके स्किन को ब्राइटन करने में भी हेल्प करता है। प्लस दिस सनस्क्रीन इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, पीलिंग सॉल्यूशन का भी बहुत सारा ट्रेंड है आजकल, लोग स्क्रब्स यूज ना करके पीलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं एंड नो डाउट उनके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। पीलिंग सॉल्यूशन के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको कोई भी स्क्रब यूज करने की नीड नहीं होती है, आपके ब्लैक हेड्स आपके व्हाइट हेड्स सब इजिली रिमूव हो जाते हैं, प्लस आपकी स्किन पे कोई भी डेड स्किन है वो भी इजिली रिमूव हो जाती है। अगर आपके स्किन पे एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, अगर आप पीलिंग सॉल्यूशन के साथ कंटिन्यू रहते हैं, उन्हें वीकली कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है उसकी लेयर भी धीरे धीरे कम होने में लग जाती है और आपको एक मेजर रिडक्शन नजर आने लगता है। तो पीलिंग सॉल्यूशन के अंदर भी काफी सारी ब्रांड्स ने लॉन्च कर दिया और हम कंफ्यूज हैं हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो मैं गाइस जो पीलिंग सॉल्यूशन यूज करती हूँ वो है डर्माकोका 15% AHA प्लस BHA पीलिंग सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको टू डिफरेंट वेरियंट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट वन इज 15%, सेकेंड जो आता है वो 30% के लिए आता है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने कभी भी पीलिंग सॉल्यूशन यूज नहीं किया है, तो आपको 15% के साथ ही जाना है। मैंने बहुत बार यूज किया और मैं इसके साथ कंसिस्टेंट रहती हूँ, उसके बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ 15% ही यूज करती हूँ, मैं मेजर 30% के साथ नहीं जाती हूँ। एंड स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है, आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, तब तो आपको डेफिनेटली 15% के साथ ही स्टिक रहना है। 30% बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपकी स्किन के लिए और वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड इफेक्ट भी दे सकता है या फिर आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है। तो पीलिंग सॉल्यूशन को यूज करना है आपको हमेशा रात को, दिन में नहीं यूज करना है। एंड जब भी आप यूज करेंगे उसके नेक्स्ट 2 to 3 days तो आपको सनस्क्रीन ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है, बिकॉज वो आपकी अपर स्किन लेयर को धीरे धीरे रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपको सनबर्न होने के हाई चांसेस होते हैं। तो इसे यूज करना बेनिफिशियल तो है, लेकिन इसे ध्यान से यूज करना होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, अगर आपने पीलिंग सॉल्यूशन यूज किया है तो आपको सनस्क्रीन की खूब सारी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको स्टिक सनस्क्रीन का शौक है ना, पर्सनली मैं बताऊं, मुझे एक्वालॉजिका का जो लास्ट वाला सनस्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर किया वो मैं अपनी बॉडी पे यूज करती हूँ। फेस पे मैं पूरी तरीके से इन स्टिक सनस्क्रीन के साथ जुड़ चुकी हूँ, बिकॉज इनका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत ही अच्छे से यूज हो जाता है एंड आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता है और ये ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन है। एंड द बेस्ट पार्ट गाइज, ये जो सनस्क्रीन है इन्हें आप मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हो और इन्हें यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो स्टिक सनस्क्रीन के अंदर जो मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है, द फर्स्ट वन इज द डर्माकोका हाइलोरोनिक स्टिक सनस्क्रीन। ये बहुत ही ज्यादा कमाल का सनस्क्रीन है एंड इसका पैकेजिंग भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। डर्माको के अंदर एक पाउडर सनस्क्रीन भी आता है, वो भी ट्राई करके देखना, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया सा सनस्क्रीन है। प्लस उसे भी आप मेकअप के ऊपर यूज कर सकते हो एंड ये सनस्क्रीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट काफी काम का है। सेकंड जो स्टिक सनस्क्रीन मेरा फेवरेट है वो है एक्वालॉजिका ब्रांड से। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आई लव दिस येलो एंड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन। प्लस पैकेजिंग के साथ साथ ये बहुत ही परफेक्ट काम ही करता है, मतलब एकदम बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन ग्रीसी है एंड कमाल की सन प्रोटेक्शन देता है। द बेस्ट पार्ट, इसे भी आप मेकअप के ऊपर यूज कर सकते हो। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। एंड गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, माई मोस्ट फेवरेट लिप बाम फ्रॉम मामा अर्थ। फर्स्ट वन जो शेड मैंने यूज किया है, इट्स अ बीटरूट टिंटेड लिप बाम, 100% नेचुरल लिप बाम है ये। और आप जैसे इसे यूज करोगे ना, एग्जैक्टली जो बीटरूट का कलर होता है ना, सेम वही का वही कलर इसके अंदर आता है। बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है, प्लस काफी ज्यादा प्यारा शेड है इसका। मतलब अगर आपने ये लिप बाम अप्लाई कर लिया ना, आई डोंट थिंक सो आपको लिपस्टिक की नीड है, इसका कलर इतना ज्यादा प्यारा है। सेकेंड जो लिप बाम मैंने लिया है वो भी मैंने मामा अर्थ की ब्रांड से ही लिया है, बट उसका जो कलर है इट्स अ चेरी टिंटेड लिप बाम एंड अगेन इट्स 100% नेचुरल लिप बाम। तो दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डेफिनेटली आप इसे ट्राई करके देखना एंड आई एम श्योर आपको इनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कमाल के लगने वाले हैं। इसके अंदर एक और दो शेड्स और भी अवेलेबल हैं, तो मैं उन दोनों के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूं, उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। एंड गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है वीब्लान का हेयर सीरम। मैंने वीब्लान के हेयर सीरम और भी ट्राई किए हैं और नो डाउट मुझे उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कमाल के लगे थे। इस बार मैंने जो ट्राई किया है, इट्स अ इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम और ये मेरे एकदम फ्रिजी ड्राई बालों को इतना ज्यादा शाइनी और इतना सिल्की बना देता है विद इन सेकेंड्स। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इनके जो रिजल्ट हैं नेक्स्ट लेवल के कमाल के रिजल्ट है गाइज, तो आप इन्हें भी ट्राई करना मत भूलना। एंड आपके अगर बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ड्राई बाल है ना, जो कि मेरे अभी हो चुके हैं, पहले नहीं होते थे, बट मेरे
मेरे बालों पे ये हेयर सीरम बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है एंड आई लव दिस सीरम गाइस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा आज का स्किन केयर हेयर केयर हॉल वीडियो, जिसके अंदर मैंने कोशिश की अपने सारे फेवरेट प्रोडक्ट शेयर करने की। मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बट ये जो प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। प्लस इनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और आपको विद इन 1 or 2 weeks के अंदर अंदर ना रिजल्ट्स ऐसे मेजर रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। एंड आई एम डैम श्योर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। सो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक्स में कुछ भी इशू आए, प्लीज गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हाथों हाथ आपके साथ दूसरे लिंक्स भी शेयर कर दूंगी एंड आप अपनी रिकमेंडेशन भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन सी हॉल वीडियोज देखनी है। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी। टिल देन बाय।